इंडिया जीती खुशी हुई अगर साउथ अफ्रीका जीतती ना तो एक पार्ट तब भी खुश होता कोहली ना सही तो कुलदीप वाला कम्बैक तो है दिस इज आर गेम दिस इज आर वर्ल्ड कप प्रोबेबली सोनाक्षी जैसी एक समझदार अभिनेत्री से ये उम्मीद नहीं थी एक सेकंड तुम्हें 19.5 पे वो खुद रो दिया था वो रोते रोते लास्ट बॉल डाला तब इतना नेशनलिज्म और इतना टैक्स लेने के बाद डेवलपमेंट की ये हालत है अयोध्या की सड़क दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल प्रगति मैदान का अंडरपास या तो टूट गया भैया अगर आज को ताजमहल भी टूट जाता है ना तो शाहजहां के टाइम की स्ट्रक्चरल रिपोर्ट मांगेंगे नमस्कार आदाब एंड वेलकम दिस इज आर्थक ऑन द संडे शो वो शो जहां हम करेंगे हफ्ते की सारी देश की बात एंटरटेनमेंट के साथ ड्रम प्लीज अबे बजा दो यार इंडिया हैज वन वर्ल्ड कप 2024 फाइनली और मतलब अभी अभी मैच देख के आए कुछ ऐसे स्क्रिप्ट नहीं है हाथ तो में कुछ नहीं है ये जो इमोशंस है ना वो अभी अभी बस फील करके आया हूँ कैमरे के सामने खड़ा हो गया हूँ चलो भाई कोई स्क्रिप्ट नहीं सीधा इसको रिकॉर्ड करते हैं मैच uh, कैसे गया क्या स्कोर रहा कौन मैन ऑफ द मैच रहा मेरे ख्याल से आप अखबार पढ़ लो अपना आपको वहाँ मिल जाएगा मेरे लिए वही है हाईलाइट ही बता देता हूँ कि दो तीन पॉइंट थे मैच के जो हाईलाइट रहे मेरे हिसाब से एक तो uh, जब क्लासिन ने अक्षर पटेल को टारगेट किया था तब ऐसा लगा कि सही में मैच हार गए बट फिर हार्दिक पांड्या ने जो विकेट लिया उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने विकेट लिया तब लगा कि यार वापस आ गए और उसके बाद जो सूर्य कुमार यादव का कैच था तब लगा कि नहीं यार दिस इज आर गेम दिस इज

मैंने अपनी लाइफ में इन दोनों स्पोर्ट्स पर्सन से बहुत कुछ सीखा है आपका इनके लिए कोई हो कोई मैसेज हो नीचे कॉमेंट सेक्शन में एक बार जरूर लिखना बारिश का मौसम शुरू हो गया है और उसी के साथ हमारे शहरों की हवा और डेवलपमेंट की असलियत साफ हो चुकी है इस हफ्ते कई सारे शहरों में मॉनसून ने अपनी दस्तक दी और उसके बाद जो फोटोज वीडियोस वायरल हुए उनके क्या ही कहने अयोध्या की सड़क दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल प्रगति मैदान का अंडरपास या तो टूट गया है या तो भर आया है ये तो मेरे दिल की भी कहानी है और मजे की बात यह है कि इस पर आप अकाउंटेबिलिटी मांग नहीं सकते क्योंकि बावजूद तो बीजेपी हुकूमत ने कहा है कि जो टर्मिनल टूटा वो 2008-09 में कांग्रेस कार्यकाल में बना था तो हमसे क्यों मालिक आप सवाल पूछे नहीं आई डोंट गेट दिस और लोग चाहे कितना क्रिटिसाइज करें मैं तो कहता हूं अच्छा लॉजिक है ट्रेन हादसों के टाइम भी लगाओ ना सर नहीं नहीं भैया एक्सीडेंट आज हुआ है ट्रेन पटरी तो मनमोहन के टाइम बनी थी और जब ये आर्ग्यूमेंट सामने दिया तो किसी ने बड़ा खूब कहा तो ऐसे तो भाई अकाउंटेबिलिटी तुम किसी चीज की लोगे ही नहीं अपने कार्यकाल के पहले और जब ये आर्ग्यूमेंट सामने आया तो किसी ने बड़ा खूब कहा कि भैया अगर आज को ताजमहल भी टूट जाता है ना तो शाहजहां के टाइम की मांगेंगे बट जो पार्ट बुरा लगता है क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई लोकल बॉडी की कोई लोकल काम की

किसी ने बड़ा अच्छा ट्वीट किया पढ़ के सुनाता हूं एटीन परसेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स तीस परसेंट इनकम टैक्स पंद्रह परसेंट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बीस पच्चीस परसेंट एक्साइज ड्यूटी स्टैंप ड्यूटी टी टैक्स रोड टैक्स प्रोफेशनल टैक्स टैक्स एंटरटेनमेंट स्वच्छ भारत से एस। ये सब आप सरकार को देते आपको क्या मिलता है इलेक्ट्रिसिटी बिजली नहीं मिलेगी इन्वर्टर से काम चल रहा है तो भाई पसीने में रिकॉर्ड कर रहा है पानी के लिए घर पे टिल्लू लगाओ शिक्षा के लिए प्राइवेट स्कूल में भेजो सरकारी स्कूल की हालत सबको पता है हेल्थ के लिए इंश्योरेंस भी खुद खरीदो मैक्स मैक्सुपा जिंदाबाद और अगर फिर भी सवाल पूछो की जो हमने टैक्स का पैसा दिया वो गया कहां तो छियानवे परसेंट ये सवाल पूछेंगे नहीं वो बिजी रहेंगे मंदिर मस्जिद मटन में और चार जो पूछेंगे उनको बोला जाएगा निकल पहली फुर्स में पाकिस्तान निकल तो हम करें तो करें क्या बोले तो बोले क्या तो अगली कंट्रोवर्सी हुई जब एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने अपने क्योंकि शादी एक मुसलमान आदमी से की है तो पूरे एक्टिंग करियर में जितना क्रिटिसिज्म मिला उतना उन्होंने शादी में मिला गाइस फ्रिज मांग रही है गुप्ता बोलती बोलती हिंदी में गाली देने के लिए एक हैं। रोय बोलती है, अपनी बर्बादी में नाच रही है, ही ही ही। तो है? Anyway, सोनाक्षी oh जैसी एक समझदार अभिनेत्री से ये उम्मीद नहीं थी एक सेकंड तुम्हें उम्मीद थी वो ठीक है तुम्हें सोनाक्षी समझदार लगी थी रामायण के अनुसार हनुमान किसके लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे कितने खुश हैं यार रहने दो उनकी खुशी में धर्म को मत लाओ बस देखो वो कितने खुश हैं प्रियंका ठाकुर बोलती हैं कॉन्ग्रेचुलेन ऑन ए फर्स्ट बेटा देखो लेट्स नॉट बीट अराउंड बुश लव जिहाद का आजकल ट्रेंड चल रहा है मैरिज आजकल एक बड़ी बात है एंड मेरे अकॉर्डिंग कुछ मैटर नहीं करता ये yes, समाज रिश्तेदार इंटरनेट पर रैंडम यूजर नेम अकाउंट ये बस एक बाहर की नॉइज है जो मैटर करता है वो है आपके परिवार अगर आपके परिवार जन खुश है तो बाकी किसी की वैलिडेशन की इतनी जरूरत नहीं होती फिर कई सारी ऐसी वीडियो वायरल हो रही थी जहां कहा जा रहा था कि इनके परिवार वाले भी खुश नहीं है मैंने दो कमेंट्स पढ़े काइंड ऑफ सम थिंग्स अप फॉर मी आपको पढ़ के सुनाता हूं उसके बाद आप कॉमेंट सेक्शन में बताना की आपका इस पे क्या सोचना है अरेज लिखते हैं कॉल मी बिओ ओल्ड फैशन बट इफ माई पेरेंट्स आर एंड है वेडिंग देन द वेडिंग हैज नो मीनिंग टू मी अ वेडिंग आइडियली मीस द यूनियन ऑफ टू फैमिलीज विच इज वेरी नफ आई अग्री इसी को लेकर एक यूजर बोलती है सुनाक्षी हैज मोर बॉल्स टू मैरी फॉर लव देन मोस्ट मेन और वुमेन इन दिस कंट्री सो यू कैन बी ओल्ड फैशन अ मार्गरीटा नोबडी केयर्स टेक्स ऑन नीड्स कंसेंटिंग कपल ठीक है

अपना नंबर कब आएगा एक और न्यूज लोकसभा का अगला सेशन स्टार्ट हो चुका है एंड राहुल गांधी इज द न्यू लीडर ऑफ ऑपोजिशन अब आपको एक चीज बता दूं लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक ऐसा पद था जो पिछले दो सरकारों से खाली जा रहा था क्योंकि कोई भी ऐसी पार्टी जो ऑपोजिशन पार्टी है वो लोकसभा की टोटल मेजोरिटी सीट नहीं ला पाई थी पचास पचपन किसी के पास नहीं थी इस बार कांग्रेस की नयानवे सीट है इसलिए राहुल गांधी अब नियुक्त किए गए हैं एज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन अब इसका मतलब बेसिकली ये है कि बहुत सारे ऐसे डिसीजन होंगे सरकार के जिसमें कमिटीज बनेंगी प्रधानमंत्री जिसको हेड करेंगे जिसमें राहुल गांधी का भी एक हाथ होगा डिसीजन होगा ओपिनियन होगा सुनेंगे इनकी अब वो बेसिकली जैसे कि मेंबर्स ऑफ द एन लोकपाल और नेशनल क्रिएटर नहीं अरे ऐसे थोड़ी यार ऐसे तो उस साइड के अपने भाई रह जाएंगे ना उनको तो अवार्ड ही नहीं मिलेगा भाई यार इस पे भी एक वीडियो बनाओ तुम नमस्कार दोस्तों क्या होता अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो तो अच्छा ये 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 खुद प्राइम मिनिस्टर बनने निकल गए क्या आजकल भी ठीक है पर ये बात तो माननी पड़ेगी कि इस इलेक्शन के बाद राहुल गांधी ने अपना रिवाइवल कर लिया है है ना देखो मान जाओ कोहली ना सही तो कुलदीप वाला कम तो है कहा सब लोग पप्पू बोलते थे मीम्स बनते थे अब तो कहीं कुछ भी बोलते हैं तो वो रेफरी की तरह कॉन्स्टिट्यूशन का रेड कार्ड निकाल देता है अच्छी बात बोली आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप बकवास मेरी बहुत हो गई अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर न्यूज ऑफ द वीक टर्मिनल क्षतिग्रस्त होना सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट की घटना नहीं हुई पिछले हफ्ते राजकोट एयरपोर्ट जबलपुर एयरपोर्ट बारिश के बाद फ्लाइट से ज्यादा टर्मिनल लैंड कर जा रहे हैं रही बात बिहार की वहां इतने एयरपोर्ट नहीं है तो वहां जो ब्रिजेस बनाए गए हैं वो टूट जा रहे हैं पिछले एक ही हफ्ते में चार ऐसी घटनाएं हुई है जहां पर बिहार में कोई ना कोई पुल या ब्रिज टूटा है और बिहार में ये ब्रिज बिल्डिंग टूटना कोई बड़ी बात नहीं है मैंने पर्सनली नोटिस किया है कि वहां पे इतना है, इतना ज्यादा करप्शन करप्शन है है कि कोई भी क्वालिटी प्रोजेक्ट बन ही नहीं पाता कंडीशन इंप्रूव हो गया हम जैसे अपना हाँ अफसरशाही बढ़ गया है अब क्या बढ़ गया बढ़ गया है बहुत ज्यादा अच्छा जेनवीन आदमी नहीं सकेगा इनके राज में नीतीश बाबू किया है क्या कुछ नहीं किया क्या डेवलपमेंट इनमें यही हुआ बढ़ चुका है लालू लुटा बचा कु नीतीश लुट रहा है अगली खबर बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर आप ये वाली वीडियो फोन पे, टीवी पे देख रहे हैं, इंटरनेट कंपनीज तो ने इंक्लूडिंग जियो एयरटेल और प्रीपेड यूजर्स के लिए साढ़े बारह से लेकर पच्चीस परसेंट तक बढ़ा दिए मतलब जो दो सौ निन्यानवे का प्लान मिल रहा था आपको तीन सौ करीब का मिलेगा जो साढ़े तीन सौ का मिल रहा था वो चार सौ करीब का मिलेगा जो आठ सौ का मिल रहा था आठ सौ का प्लान कौन रिचार्ज कराता अभी धक्का थोड़ा है बट कोई भी शौक की बात नहीं सबको पता था कि इलेक्शन के बाद जो रिचार्ज प्लान है उनमें हाइक आने वाला है और अगर टेलीकॉम कंपनीज के साइड से समझो तो जो पूरा सेक्टर है ये थोड़ा लॉस में जा रहा था एक एआरपी होता है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर को जो 200 के करीब जा रहा था उनको 300 के करीब लेके आना था हाल ही में 5G जी का इन्वेस्टमेंट भी हुआ है तो उसमें खर्चे बढ़े एंड एट द एंड ऑफ द डे ये बिजनेस है ऐसा नहीं है कि जियो तुम्हें फ्री डेटा पैक दे रहा था अंबानी की शादी की खुशी में उनको चाहिए था कि एक बार यूजर एक्विजिशन कर लें तुमको थोड़ी सी लत लगा दें अब बाद में धीमे से तुम्हारी जेब से पांच की पत्ती निकाल लें भाई जोड़ जोड़ से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे चलो अब आपको एक इंटरेस्टिंग न्यूज बताता हूँ आपको बहुत सीखने को मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन हमारे देश का एक मंत्रालय है वो निकालता है हाउस होल्ड कंजम्पन एक्सपेंडिचर सर्वे जो बेसिकली बताता है कि हमारे देश के जो घर हैं वो अपना खर्चा कैसे करते हैं मान लो अगर सौ रुपए है तो कितना रुपया वो खाने में लगाते हैं कितना वो कपड़े में लगाते हैं कितना वो अपने ट्रैवल में लगाते हैं उसका वो पूरा एक ब्रेकडाउन बताता है और सिर्फ ये नहीं ये भी बताता है कि शहर के घर जो होते हैं वो किस चीज में खर्चा करते हैं और गाँव के लोग किस चीज में खर्चा करते हैं काफी कुछ सीखने को मिलता है देश की डेमोग्राफी काफी समझ में आती है अच्छा पहले तो समझ लो खर्चे ना दो प्रकार के होते हैं मोस्टली एक होता है फूड आइटम्स खाने में राशन में कितना खर्चा कर रहे हैं हम दूध दही मलाई मक्खन अंडे वगैरह और दूसरा होता है नॉन फूड आइटम कपड़े हो गए ट्रैवल हो गया

अगर नॉन फूड आइटम्स की बात करें तो खाने के अलावा जिसमें सबसे ज्यादा देशवासी खर्चा करते हैं वो है ट्रेवल कन्वीनियंस है ना गांव में खासकर ज्यादा होता है अगर आपको शहर जाना है शहर में भी अगर है कोई मेट्रो में कोई बस में कोई ग्रामीण सेवा में तो खाने के अलावा अगर घर में सबसे ज्यादा खर्चा किसी चीज पे होता है वो होता है ट्रैवल पे अच्छा इस पूरे रिपोर्ट से अगर आपको एक ओवरऑल ट्रेंड बताऊं तो वो ये है कि अब जो जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है लोग नॉन फूड आइटम्स पे पे ज्यादा ज्यादा खर्चा खर्चा कर रहे हैं पहले फूड आइटम्स खाने की चीजों करते थे पर अब जैसे कि बढ़ रहा है लोग नॉन फूड आइटम्स पे ज्यादा खर्चा कर रहे हैं मतलब डाइट के साथ अदर फैक्टर्स खाने के साथ साथ अच्छा दिखने पर भी फोकस कर रहे हैं हेयर केयर स्किन केयर और अगर आप ऐसी चीजों पर खर्चा करते हैं तो कोशिश किया करो कि क्वालिटी चीजों पर खर्चा करो अगर आप शैम्पू खरीद रहे हो तो कोशिश करो उसमें सल्फेट ना हो अगर टूथपेस्ट ले रहे हो तो फ्लोराइड की मात्रा कम हो और अगर एक हेयर ऑयल ले रहे हो तो ये पुख्ता करो कि उसमें पैराफिन नहीं बल्कि नेचुरल हर्ब्स हो जड़ीबूटियां मार्केट में आजकल ऐसे लोग हैं जो आपको नेचुरल हर्ब से बना जड़ी बूटियों से बना प्राकृतिक पद्धति से बना एक हेयर ऑयल आप तक पहुंचा रहे हैं जैसे कि मैसूरू के जंगलों से हाकी पीकी लोगों द्वारा बनाया गया आदिवासी तेल और जहां जो मार्केट में आपको पैक्ड मिलते हैं वो मास प्रोडक्शन में बनते हैं उसमें पैराफिन वगैरह डाले जाते हैं केमिकल्स डाले जाते हैं इस वाले प्रोडक्ट में ये नेचुरल हर्ब्स डालते हैं जैसे कि भीमरी आमला एलोवेरा शिकाखाय और अगर आप हम जैसे लोगों में से हैं जो शहरों में रहते हैं तो हमारे यहाँ पॉल्यूशन तो होता ही है पानी भी बहुत ज्यादा खराब होता है तो आपके स्कैल्प को न्यूट्रिशन की बहुत जरूरत होती है और क्योंकि ये प्रोडक्ट एकदम नेचुरल है तो आपके बॉलों को पोषण देता है स्ट्रेंथ देता है और डेंड्रफ और डैमेज से भी बचाता है यह काफी ज्यादा सक्सेसफुल है इनके नाम पर काफी ज्यादा स्कैम चल रहे थे तो ये यूट्यूबर से आजकल प्रमोट करा रहे हैं और कई लोगों ने ऑर्डर किया है उनको रिजल्ट्स भी दिखे हैं आप भी ऑर्डर कर सकते हैं पर हाँ क्योंकि लिमिटेड क्वांटिटी में बनाते हैं तो ये सस्ते पैराफिन तेलों जैसे नहीं बिकते

Basically, the study pointed out that 50% of Indians don't have enough physical activity going on, and more so, जो महिलाएं हैं, उसमें पुरुषों की मुकाबले ज़्यादा physical activity नहीं करती हैं.

अगली एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं। show, क्योंकि दुनिया जहां की जो अच्छी अच्छी अमूमन जो भारतीय लोग होते हैं वो शिक्षा से दो गुना ज्यादा खर्चा शादियों पर करते हैं अगर आप नंबर्स की बात करो तो 130 बिलियन डॉलर का इंडिया का वेडिंग मार्केट है और इसमें शगुन के लिफाफे इंक्लूडेड नहीं और पाकिस्तान की जीडीपी पार कर दिया अनुमान लगाया गया कि एवरेज इंडियन वेडिंग पे बारह लाख रुपए खर्च किए जाते हैं जो कि किसी एक बच्चे की प्री प्राइमरी से लेकर ग्रेजुएशन का खर्चा है दस परसेंट वेडिंग्स के लिए खरीदे जाते हैं और केटरिंग एंड इवेंट्स की बात करूं तो बीस उसके वेडिंग कॉस्ट होते हैं और अगर आप इवेंट्स की बात करो सारे मिला लो पॉलिटिकल कॉपरेट बर्थडे लगभग पंद्रह सिर्फ वेडिंग्स होती है आपको अरे वो ऐसे वाला हाउ टू किल पीपल एंड गेट अवे जो अक्यूज है वेदांत अग्रवाल उसको हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है अब वो बरी हो चुका है जेल के पीछे नहीं है दरअसल इसके पीछे हुआ क्या था कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने पहले उसको रिहा कर दिया था कहा था कि भैया बस ऐसे लिख दो उसके बाद पब्लिक में बात आई सोशल मीडिया पर चीज वायरल हुई काफी ज्यादा आउटक्राई हुआ तो फिर वापस से पुलिस ने एप्लीकेशन डाली थी उसको वापस अरेस्ट कर लिया गया था बट हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने जेजेबी के डिसीजन को हटाकर लड़के को रिहा कर दिया और अगर आप सोच रहे हो कि यार ऐसा कैसे हो गया पक्के में कुछ ऐसा करप्शन है सिस्टम खराब है तो समझ लो कि लीगली अगर आप बात करो तो इसमें कुछ हेराफेरी नहीं हुई है क्योंकि लॉ के मुताबिक ये एक माइनर लड़का था जिसको कहते हैं सीसीएल चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ और जब भी कोई माइनर होता है और वो क्रिमिनल केस में फंसता है तो जो हमारा लीगल सिस्टम है वो बहुत सॉफ्ट है अगर आपको याद हो कि निर्भया कांड में भी एक माइनर था वो भी बच गया था बाकी सबको फांसी हो गई थी दूसरी बात ये एक केस बहुत सारे लोगों को इंक्लूडिंग भी एक लाइफ टाइम की सीख दे गया है कैसे माँ बाप ने रिश्वत खिलाई कैसे ब्लड सैंपल्स एक्सचेंज हुए कैसे इस लड़के को ऐसे के बेसिस पर रिहा कर दिया कि बेसिकली कि अगर आपके पास रसूख है पैसा है तो आप लॉ को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो मतलब अगर आप माइनर हो तो ऐसे लिखना आना चाहिए फिर पेन चलाओ जमानत पाओ अब बात करते हैं हफ्ते की सबसे वायरल वीडियोस का और जनाब क्या चल रहा है आपने वो कहावत सुनी होगी कहा जाए मेरे भाई आगे कुआ पीछे खाई और यही हालत है आजकल अमेरिकन लोगों की वहां पे चल रहे हैं चुनाव अब अमेरिका के चुनाव के बारे में आपको दो चीज बता देता हूं वहाँ चलती है डेमोक्रेट और रिपब्लिकन की बीजेपी कांग्रेस समझ लो आप और एक इंटरेस्टिंग चीज की इलेक्शन के पहले वहां जो दो मेन कैंडिडेट होते हैं प्रेसिडेंशियल नॉमिनी उनकी एक डिबेट होती है लाइव टीवी पर मतलब जो यहाँ पर रैलीज में कहते हैं ना वहां वो डिबेट में कहते हैं ठीक है और इस बार दो कैंडिडेट हैं डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन एक जो अच्छे से बोल नहीं पाता और एक ना बोले तो ही अच्छा है पब्लिक को लगता है ये है क्रिमिनल वर्सेस पेशेंट बाइडन लुक्स लाइक अ रोबो हाँ भाई वो देखता तो ऐसा ही है कि ऐसा तो वो मिनट के लिए भूल गया हो कि क्या चल रहा जमाने आई थिंक वेर अर पार्ट वेयर जो इज केप्ट हिडन के बेसमेंट एंड कम्स आउट फॉर विदोर्टर्स एट ईच वन एंड देन समाउ विल गेट वन ट्वेंटी मिलियन वोट दिस टाइम अगर बाइडन इस कंडीशन के साथ भी जीत गया ना तो अमेरिका को ट्रंप तो बिल्कुल नहीं चाहिए अच्छा सोचो अगर ऐसे ही मोदी और राहुल गांधी में डिबेट हो तो कैसा लगेगा <laughs> बहुत अच्छा लगेगा ये वाली वीडियो थी जो ट्विटर पर बहुत ज्यादा वायरल हुई वीडियो में देखा जा सकता है दो मासूम से बच्चे जो रो रहे हैं कह रहे हैं कि हमारे लड्डू गोपाल हैं बीमार हो गए हैं भगवान की मूर्ति उनके हाथ में और उसको लेकर वो उदास हैं कि उनके लड्डू गोपाल बीमार लग रहे हैं यहाँ तक ठीक है बच्चों का प्रेम भाव बात तब आगे बढ़ जाती है जब ये लोग उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं और डॉक्टर भी स्टेथोस्कोप लगा के भगवान को देखता है कि बीमार है कि नहीं और माँ बाप इस सब कुछ को रिकॉर्ड करके उसको इंटरनेट पर अपलोड करते हैं ये क्या है जब ये वीडियो वायरल हुई तो लोगों ने अपने कमेंट्स जाहिर किए लिखते हैं दिस इज डिल्यूजनल इन ऑल एस्पेक्ट्स। डोंट ब्रेन वॉश चिल्ड्रन इट इज डेट्रीमेंटल टू दर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ पेरेंट्स मस्ट एंकरेज साइंटिफिक टेम्परमेंट इंट्रोड्यूसिंग रिलीजन इज देर चॉइस बट दिस इज एक्यूट प्रॉब्लमेटिक शलीन लिखती है दिस इज कैरी डॉक्टर भी बोलते हैं रिलीजन प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम इज सोशल मीडिया पेरेंट्स फिल्मिंग देयर किड्स एंड मेकिंग देम डू सच थिंग्स

धरती रो रही है या आसमान रो रहा है नॉनसेंस सब क्या हो रहा है दिल्ली से एक फ्लाइट दुबई जा रही थी तभी पुलिस को एक मेल आता है कि सुनो ये फ्लाइट जो है ना उसको उड़ाना मत वरना मैं उड़ा दूंगा भाई सबको टेंशन हो गई अफरा तफरी मच गई पुलिस ने सारी सेफ्टी प्रोटोकॉल चालू किए एफआईआर लॉज हुई और पुलिस ने देखा कि ये बिनलादिन है कौन पुलिस ने जब आईपी एड्रेस चेक किया तो पता चला पिथौरा से मेल आया था वो लोग घर पे पहुंचे वहाँ बाहर तेरह साल का एक बच्चा खड़ा था बोला पापा को बुलाओ पापा को क्यों बुलाए उन्होंने मेल भेजा है साहब मेल तो मैंने ही भेजा तेरह साल की बच्ची ने डेली एयरपोर्ट को मेल भेजा था कि फ्लाइट को से उड़ा देंगे। पैकेट बड़ा आई आर एल और इन बच्चों के लिए हम पेड़ पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं है? मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए ये साले डूब के मर जाएंगे अच्छा मॉल डीव तुम्हें पता है दिश वो जो रिसेंट में कॉन्ट्रोवर्सी में आया था

अगली नॉनसेंस न्यूज है मध्य प्रदेश से जिन्होंने बिहार वालों को कॉपी किया है इस हफ्ते इस बार एक खतरनाक चोरी हुई है वहां पर एक नहर नहर समझ लो ना नदी से निकालते हैं खेत सींचती है चोरी हो गई What? एंड वॉट्स इवन मोर आयरॉनिक कि ये हुआ है एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान की कॉन्स्टिट्यूएंसी में दरअसल हुआ कि काफी टाइम से दौलतपुर और मदनखेड़ा के बीच में एक नहर चलती थी है ना आसपास में खेत थे तो नहर सबको सींचती थी कई लोग बोलते थे कि उस नहर में नहाया भी करते थे फिर धीरे धीरे क्या हुआ डेवलपमेंट हुआ कॉलोनीज बनना स्टार्ट हुई घर बनना स्टार्ट हुए और पता नहीं चला कब पर नहर गायब हो गई <laughs> इंडिया में चोरी के लिए ना एक अलग से डॉक्यूमेंट्री सीरीज बननी चाहिए कैसी कैसी चोरी 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 कर कर लेते हैं भाई कभी कभी टावर दिया ट्रेन का ट्रैक लो। खतरनाक लोग अगली खबर हुई यूपी के बरेली में जहां पर लात घूसे मुक्के चल गए बरातियों में लड़का पक्ष वर्सेस लड़की पक्ष क्योंकि बिरयानी में लेग पीस नहीं था और न्यूज पर अब आपके व्यूज आपके विचार इन द नेक्स्ट सेगमेंट टॉप फाइव कॉमेंट ऑफ द वीक निकितेश निकितेश आई लाइक योर नेम इफ यू हैव द पावर टू ब्रिंग एनी फॉरन पॉलिटिशियंस टू ब्रिंग इन अ पार्लियमेंट एज अ कैबिनेट मिनिस्टर देन हु विल बी योर टॉप थ्री चॉइस हु कैन वाइजली यूज द एक्सपर्टीज फॉर बेटरमेंट ऑफ आर कंट्री ओके अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन बिकॉज आई डोंट फोकस ऑन जियो पॉलिटिक्स दैट मच बट एक मैं बता देता हूँ एक पॉलिटिशियन जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं वो फॉरन के हैं नाउ शी इज रिटायर्ड वॉज आर्डन जो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री रही थी uh, उनकी जो पॉलिसीज थी वो बहुत प्रोग्रेसिव लगी थी मुझे बहुत वोकल भी थी और बहुत सबसे अच्छी बात है कि बहुत कंपेशनेट भी थी जब वो टेररिस्ट अटैक हुए थे आई डोंट रिमेंबर द सिटी वो खुद पर्सनली विक्टम से मिलने गई थी बहुत प्रोग्रेसिव uh, उन्होंने चेंजेस लाए न्यूजीलैंड में क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत वोकल थी और uh, एक ऐसी चीज़ जो आज के पॉलिटिशियंस में चाहिए एंड सबसे बड़ी बात कि अपने पॉलिटिकल करियर को साइड में रख के रिटायरमेंट की ओर चली गई एंड देन यू नो एक सटल जिंदगी जीने लगी तो आई दैट वे आई लाइक दस इन नो नोट नहीं कि उनको लेके आए बट वैसे ही पॉलिटिशियन हमारे इंडिया में जितने जो क्लाइमेट चेंज पे फोकस हैं। हमारे पास कम तीस मार्क आनी है बस उनकी प्रायोरिटी थोड़ी फायरफ्लाई ओपिनियन इफ पीपल आर बेनिफिटेड विद पीपल लीग आर ऑन टॉप पोजिशन स्पेशली डॉक्टर्स बहुत डरावना थॉट है भाई वो क्योंकि आप समझो ना कि जिसको पता है मैंने बताया ना कि सिद्धू स्कूप में सी टाइप लगा के गाने सुनेगा अपना एग्जाम्पल देकर देखता हूँ खुदा ना खास्ता मेरा कभी कोई दुर्घटना हो जाती है और ऑपरेशन थिएटर में मुझे पता चले कि कोई परपेंडिकुलर बैठा है कि टेजेंट काट है या परपेंडिकुलर कौन क्या मेरी तो बढ़ जाएगी भाई तो कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब करप्शन बहुत रिस्की होता है ना टीचर्स चलो एक पॉइंट पे मान लिया कि हो गया तो कोई गलत टीचर आएंगे ओवर द टाइम सीख जाएंगे डॉक्टर्स में अगर आपने नॉट क्वालिफाइड लोगों को भेज दिया ऑपरेशन थिएटर में या सिर्फ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के लिए तो तो डेंजर बात ना भाई भैया तो क्या पॉलिटिक्स मतलब काफिला बड़ी बडी गाड़ियों का ग्रुप बहुत पैसे वाले जो सबको डरा के रखते हैं मैक्सिमम क्या पॉलिटिक्स बदली नहीं जा सकती जैसे नॉर्मल कोई जॉब करने वाला या पॉलिटिकल करने करियर भी वैसे ही हो भैया अपनी राय जरूर बताना भाई टू तो बी वेरी फ्रैंक रविकांत मौर्य जी मुझे लगता है आप बहुत ज्यादा उस पर सोच रहे हो कि आ, क्या सब जॉली जॉली होता तो कैसा होता क्या हम ऐसा नहीं कर सकते क्या एक गरीब आदमी देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता ये ऐसी चीजें होती हैं जिनको एक अच्छा नेरेटिव बुना सकते हैं दे कैन गेट यू गुड प्यार बट जनरली ऐसा होता नहीं है कोई बाहुबली नेता होगा जिसका थोड़ा दबदबा होगा जिसके पास पैसा होगा जो वोटिंग के पहले एक दिन पहले दारू मुर्गा बटवा सकता है उसके जीतने के चांसेस ज्यादा है उसी को पार्टी टिकट भी देती है तो बहुत फंडामेंटल डिफरेंसेस आप चाह रहे हो थोड़ा सा रियलिटी में जी लो भाई इफ सार्थक गोस्वामी यू गॉट द अपॉर्चुनिटी टू बिकम पी एम ऑफ अर स्टेट कंट्री वॉट है यू वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस इन द इकोनॉमी थ्री रिफॉर्म्स मैं भाई सीधी बात है एनी डे मुझे कभी पॉलिटिक्स में जाने का मौका मिले तो सबसे पहला जो मुझे लगता है वॉर फ्रंट पे जो टैकल होना में है, तो एक मंत्रालय भी एक ही चाहूंगा वो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज क्योंकि जितना मैंने अभी तक तो पढ़ा लिखा है समझा है थोड़ा बहुत मुझे यही समझ में आ रहा है कि तुम कर लो अपनी मंदिर मस्जिद धर्म इकोनमी और फाइव ट्रिलियन की राजनीति अच्छी बात है संविधान बचाते घूमो पर अगर क्लाइमेट चेंज पर आपने अभी से बिल्कुल बहुत बड़े तगड़े पॉलिसी लेवल चेंजेस नहीं किए तो हिंदू मुस्लिम अमीर गरीब सब मरेंगे ब्रो वॉन्ट्स टू नो वेर डू यू बाय कुर्ताज देर बाई ग्रेट भाई दिस कुर्ता विच आई आए, आई एम वेयरिंग संबलपुरी है ये एक कंपनी है उडीसी उन्होंने मुझे भेजा था अब तो, है। तो ये थे इस हफ्ते के टॉप फाइव कमेंट्स जिनको मिलता है एक महीने की हमारी तरफ से फ्री रिचार्ज जो महंगा हो गया है ठीक है हमारे जेब पे और मार पड़ रही है बट ठीक है एक महीने का फ्री रिचार्ज ये लोग जीतते हैं अगर आप भी टॉप फाइव कमेंटर्स में आना चाहें तो कमेंट सेक्शन में वीडियो में जो कुछ भी डिस्कस किया उसमें अपने ओपिनियन बता सकते हैं या हैश संडे विचार के साथ कोई थॉट जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें अगले एपिसोड में यहाँ डिस्कस करेंगे इस हफ्ते की एक पॉजिटिव न्यूज है देहरादून से जहां पर एक बहुत लंबे समय बाद क्लाइमेट को लेकर एक प्रोटेस्ट हुआ है दरअसल है क्या कि इन दिनों उत्तराखंड में वो चारधाम प्रोजेक्ट के तहत कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो कि अच्छी बात है एक्सप्रेस बन रहे हैं डैम्स बन रहे हैं कहीं सड़क का चौरीकरण हो रहा है और इसी दौरान देहरादून में एक सड़क थी जिसका एक्सपेंशन होना था उसको टू लेन फोर लेन बनना था जिसके तहत कई सारे पेड़ काटे जाने थे आसपास के जिसको लेकर देहरादून में लोगों ने भारी मात्रा में प्रोटेस्ट किया और वहां के लोकल्स का बोलना था कि वो इतना इंपॉर्टेंट काम नहीं था जिसमें 240 पेड़ कटते थे जिसमें से एक तो ऐसा था जो 250 साल पुराना था एंड द गुड थिंग विच हैपन वाज द गवर्नमेंट हैड टू बैक स्टेप देहरादून के लोकल लोगों के प्रोटेस्ट के बाद पुष्कर सिंह धामी जो वहां के सीएम है उन्होंने इस प्रोजेक्ट को होल्ड पर डाल दिया ना इसमें दो एक बहुत अच्छी बातें हुई पहली बात तो बहुत ऐसा रेयर देखने को मिलता है आज के टाइम पे लोग प्रोटेस्ट करें और सरकार उस चीज पर माने तो वो एक अच्छी चीज हुई दूसरा ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि अब क्लाइमेट को लेकर लोग अवेयर हो रहे हैं उसको लेकर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है लोगों को पेड़ की पौधे की इंपॉर्टेंस वैल्यू समझ में आ रही है और देहरादून के लोगों ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है बाकी शहर के लोगों के लिए कि वो अपने सिटी की ग्रीनरी रि की हरियाली का ख्याल रखें और कोशिश करें कि विकास कर रहे अपनी जगह हो पर उसके लिए कम से कम से पेड़ काटे जाए तो किया गया क्या नाम भूपेंद्र जोगी ताली बजाओ मेरे चरणों में बाबा जी को प्रणाम चलो चाय पत्ती में जब आप दूध डालते हैं तो चाय पत्ती के संपर्क में जब दूध आता है तो दूध का गुण बदल जाता है और बदल करके वो पॉइजन हो जाता है जहर बन जाता है क्या

हजार परी खाली आ रहा है भाई फ्रॉक पहन के आई थिंक शी वाज़ ट्राइंग टू से फादर्स परी द ग्रेट परी भाई मैं छोड़ रहा हूँ संडे शो में सिर्फ मीम रिव्यू करवा लिया करो गुटखा खाना सही है हाँ सही है बाबा जी गुटखे के खिलाफ नहीं ठीक है आप घर गृहस्थी बिस्कुट चाय सब के वाट लगा दो गुटखे के खिलाफ कुछ नहीं सुनेंगे हम लोग बाबा जी की मूर्ति मुंह में सूरती <laughs> मैं कुछ सवाल दाग दूंगा साइंस को साइंस चुप हो जाएगा आप बच्चे हैं अभी वो बड़े सवाल मैं आपसे नहीं करूंगा ये अच्छा ठीक है ठीक है समझिया <laughs> क्या पहना है वो पाइप का पहना है भाई दो पाइप को जोड़ते हैं ना

प्यारी समझ गई सर ने कमेंट भी किया है बाद में जॉब से निकलवाओगे मुझे सर कोई नहीं आप ये सब करो वी अप्रिशिएट हमें आपके साथ मेरी तो फॉर्च्यूनर और गवर्नमेंट जॉब दोनों आ रही है तुम अपना देखो जिनके नाम ए एन आर एस पी एल वी हैं तैयारी करो अक्टूबर में गवर्नमेंट जॉब की आशिशारी सरकारी जॉब लग रही है भाई तुम्हारा भाई पटवारी बनने जा रहा है तुम्हारा भाई लेखपाल बनेगा नहीं होगा चलने तो मेरे से प्यार करती है या नहीं करती ये बता दे तू बस नहीं मैं तेरे से लास्ट पर पूछ मोदी को पकड़ लो राहुल को पकड़ लो नेहरू भी ठीक है आइंस्टाइन को तो छोड़ दो यार वो बेचारा दूसरे देश में कहीं दफन है यार मतलब तुम तुम लोग धर्म ईमान कुछ कुछ है कुछ मतलब अंतर आत्मा से कुछ आवाज आती है तुम लोग को तुम्हें शर्म है कुछ कुछ शर्म आया है प्राइम मिनिस्टर की मंथली सैलरी कितनी होती है 600000 होवे जी नहीं करंट का बताओ हम तो कम ही कमा रहा होगा ठेकेदार <laughs> है यार महीना के लाख रुपए कमा में आपसे भी ज्यादा कमाता है हम से ज्यादा कमा रहा तो दोनों मेरा काम कर रहा हो

अपने पास समझ हो अपने पास एक्सेस में सीट चल रही है वो भी माइनस में तो उसको फिल करने के लिए अपन को कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना जो पॉजिटिव हो पेपर लिख करा दिया डू आई मेक सेंस नॉट इवन हिम खैर ये था इस हफ्ते का एपिसोड जाने से पहले प्लीज अगर अच्छा लगा एज यूजल एक विनती रहेगी भैया लाइक करते जाना बहुत सारी चीजें हमने आपको बता दी हैं कॉमेंट भी जरूर कर देना आपको रिचार्ज प्लान मिल जाएगा वैसे ये चीज़ महंगी हो चुकी है अब और हाँ आपके नेटवर्क में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो न्यूज उतनी फॉलो नहीं करते होंगे बोरिंग लगती होगी टॉक्सिक लगती होगी तो उनके साथ ये वीडियो लिंक एक बार शेयर कर देना भाई साहब अपने भाई का थोड़ा तो प्रमोशन करो थोड़ा लाइक सब्सक्राइब दिला यार माले यार थोड़ा अल्लाह के नाम पे देते और हाँ जाने से पहले आदिवासी हेरोइल अगर आपको देना है तो डिस्क्रिप्शन और पिन कॉमेंट में मैंने नंबर्स दे रखें